हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 120 अंडों का इंक्यूबेटर, जो काफी लो प्राइस में आएगा, फाइबर की बॉडी में आएगा और बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में है। और हर पार्ट इसमें आपको डबल मिलने वाला है, जैसे आपको टेम्परेचर कंट्रोलर इसमें डबल मिलेगा, साथ साथ आपको इसमें फैन डबल मिलेगा, एडप्टर डबल मिलेगा, पानी का बाउल डबल मिलेगा, हर चीज इसमें आपको डबल मिलने वाली है, जिससे कि सेफ्टी हर तरह से इसमें रहती है। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है, क्यों डबल डिस्प्ले वाली मशीन हमेशा फायदेमंद होती है और कितने अंडों की कैपेसिटी है। तो ये 120 अंडों की कैपेसिटी में आएगी, सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ और इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मशीन का इस्तेमाल बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, डबल डिस्प्ले वाली मशीन है, तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि इसमें पहले तो आपको दो डिस्प्ले आएंगे, दो तरह के डिस्प्ले लगे हुए हैं, कोई भी एक डिस्प्ले आपको एक टाइम पे यूज करना है। कभी अगर कोई डिस्प्ले में दिक्कत आई तो आप यहाँ की पिन निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो, दूसरा डिस्प्ले आपका एज इट इज चालू हो गया। इसको हम लोग इंस्टॉल करके ही भेजते हैं, यानी आपको किसी भी तरह की चेंजिंग करने के समय वायरिंग वाला मसला ना रहे। आपका अगर एक डिस्प्ले में कभी भी कोई दिक्कत आती है, आप तुरंत यहाँ पे जो पावर केबल होती है उसे निकाल के यहाँ पे लगा दीजिए, आपका दूसरा डिस्प्ले शुरू हो गया। तो इस तरह से दो डिस्प्ले में ये आएगी। उसके बाद आपको इसके साथ मिलेगा दो एडाप्टर, ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर होता है जो फैन के लिए इस्तेमाल होता है। एक आप फैन के लिए लगाना होता है आपको, और एक आपको एडाप्टर इसके साथ एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी दो एडाप्टर आपको इसके साथ में मिल जाएंगे। दो होल्डर का कनेक्शन दिया हुआ है, यानी दो हीटर आप इसमें लगा सकते हो, आराम से दो हीटर इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपको पानी का डिब्बा भी, इसके अंदर दो पानी का डिब्बा मिल जाएगा, यानी हर चीज इसमें आपको डबल मिलने वाली है। एक पावर केबल आएगी और एक हाइड्रोमीटर आएगा, जिसमें आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों शो होगा, ये सेल के ऊपर चलता है, तो ये भी आएगा। दूसरी बात, इसमें आपको एक मैनुअल भी मिलने वाला है, जिसमें इस्तेमाल कैसे करना है इन सब की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, कि कौन से पंछी को कितने दिन लगते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी जानकारी इसमें आपको मिल जाती है। तो ये सब एसेसरीज इसके साथ में आपको मिलने वाला है। ऑल इंडिया आप कहीं पे भी मंगाइए, कैश ऑन डिलीवरी भी हम प्रोवाइड करा देते हैं, जहां पे भी आपको चाहिए। कोई भी पेमेंट आपको पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा पेमेंट आप पार्सल मिलने के बाद कर सकते हो। तो ये सब एसेसरीज जो मैंने आपको बताई, ये इसके साथ आने वाली है। ये एक ट्रे आएगा, ट्रे में भी आपको अंडे रखने हैं, और ट्रे के नीचे की जो जगह है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी अंडे आएंगे। ये नीचे ट्रे के नीचे भी अंडे आ जाते हैं और ट्रे में भी अंडे आएंगे। इस तरह से दोनों मिला के आपके 120 अंडे इसमें आ जाते हैं, मतलब ऊपर ट्रे में आपके 50 अंडे आएंगे, ट्रे के नीचे आपके 70 अंडे आएंगे। इस तरह से आपके 120 अंडे इसमें आराम से आ जाते हैं। अब इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें आपको टेम्परेचर पूरी तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। आपको टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से यहाँ से सेटिंग होकर ही आता है, कोई भी छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि हम यहाँ से पूरा प्रोग्राम करके ही भेजते हैं। आपको इस मशीन में सिर्फ दो चीजें करनी होती है, जो अंडा है वो दिन में दो बार रोटेट करना है, घुमाना है, एक बार सुबह एक बार शाम। दिन में सिर्फ दो बार इसमें अंडा घुमाना है, इससे ज्यादा अंडा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। और जो पानी का डिब्बा हमने साथ में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उन दोनों डिब्बों में हल्का गुनगुना पानी आप रख सकते हो, बस ये करना है। मतलब दो चीजें खाली करनी है, दिन में दो बार अंडा घुमा लेना है, एक बार सुबह एक बार शाम, साथ साथ दोनों डिब्बों में पानी गर्म करके रखना है, ये दो चीजें हमें खाली करनी होती है। टेम्परेचर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, इसमें आप हर तरह के पंछी का हैचिंग कर सकते हो, जैसे मुर्गी का कर सकते हो, बदक का कर सकते हो, बटेर का कर सकते हो, राजहंस का कर सकते हो, टर्की का कर सकते हो, गिनी फॉल कर सकते हो, कोई भी फैंसी बर्ड कर सकते हो, ऐसे बहुत से ऑप्शन है, आप हर एक पंछी का बर्ड इसमें कर सकते हो। हर एक का दिन अलग होता है, जैसे मुर्गी का अगर आप कर रहे हो तो 21 दिन में चूजा निकल जाता है, उसमें आपको 19 दिन अंडा घुमाना होता है, लास्ट के 3 दिन आपको अंडा घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे 21 दिन में आपका पूरा चूजा निकल जाता है, जो भी फर्टिलाइजर है वो पूरा चूजा आपका इसमें से निकल जाएगा। अगर आप बदक कर रहे हो तो आपको 28 दिन लगेगा, अगर आप बटेर कर रहे हो तो 18 दिन लगेगा, अगर आप राजहंस कर रहे हो तो 30 दिन लगेगा। तो जो उनका नेचुरल पीरियड है वो उनका पीरियड आप इसी मशीन में सेम टाइम होता है। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ नहीं, बस मशीन बंद कमरे में ना रखे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और अंडे जो है ये हमेशा ताजे लेने हैं, मैं आपको अंडे भी दिखा दूंगा, कैसे रखने हैं ये भी बता दूंगा, और बाकी चीजें जो छोटी छोटी होती है, लोगों की गलतियां हो जाती है, तो वो भी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और प्राइस भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अंडे वगैरह कैसे रखने हैं, कैसे घुमाने हैं ये भी बता देता हूँ।
रखने से पहले मैं आपको इस मशीन को चालू करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने पिन लगा दी है, आप करीब से देखोगे तो यहाँ का एक डिस्प्ले अपना शुरू हो गया है। ये पूरी तरह से सेटिंग होकर आएगा, आपको किसी भी तरह की कोई सेटिंग वायरिंग करनी होती नहीं है, पूरी तरह से सेटिंग होकर आएगा। अब मैंने यहाँ पे ये प्लग लगा दिया, आप देख सकते हो ये वाला डिस्प्ले चालू है। अगर आपको कभी भी इस डिस्प्ले में दिक्कत लगी तो आप इसका स्लिप लीक निकालिए और दूसरे पे लगा दीजिए, तो आपका डबल डिस्प्ले का ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये डिस्प्ले अभी चालू हो गया है और पहले हमारा ये डिस्प्ले हमने चालू किया था। ठीक है, तो इस तरह से डबल डिस्प्ले में आपका ये बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा फैन का कनेक्शन, देखिए एडप्टर हमने यहाँ पे लगा लिया है और ये फैन का कनेक्शन का ये वायर जो फैन है अंदर की ओर, ये फैन इसका वायर हमें बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे सिर्फ एडप्टर यहाँ पे लगा लेना है। तो सिंपल प्रोसेस है, तो आपका फैन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हो फैन शुरू हो गया, दोनों फैन एक ही टाइम पे चालू हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। और इसके बाद आपको अंडे रखने होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे रखना है। अब बल्ब, इसमें बल्ब कितने वैट का लगाना है, तो देखिए दो बल्ब आप इसमें लगा सकते हो, 25 वैट, 40 वैट, 60 वैट में से कोई भी बल्ब रहेगा आप दो बल्ब इसमें लगा दीजिए। समझिए आपके पास 25, 40, 60 में से कोई भी बल्ब नहीं मिल रहा है, आप 100 वैट का भी बल्ब इसमें लगा सकते हो। इससे ज्यादा का बल्ब बिल्कुल भी नहीं लगाना है, 100 वैट काफी हो गया और वो भी एक लगाना है। दो होल्डर दिया हुआ है, आप देख सकते हो दो होल्डर है, लेकिन आपको अगर 100 वैट का बल्ब लगा रहे हो, 25, 40, 60 वैट का बल्ब आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो 100 वैट का आप एक ही बल्ब लगा सकते हो, दो लगाने की भी जरूरत नहीं है। और 200 वैट का वगैरह बल्ब बिल्कुल नहीं लगाना है, इसकी बिल्कुल इसे जरूरत नहीं है। टेम्परेचर ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, आप 15 वैट का लगाओ, 25 का लगाओ, 40 का लगाओ, 60 का लगाओ या 100 का लगाओ, कोई भी बल्ब लगाओ टेम्परेचर ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, इसीलिए आपको इस चीज का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस 200 वगैरह का बल्ब बिल्कुल मत लगाइए, 100 वैट का लगा रहे हो एक ही काफी है, और 40, 60, 25 वगैरह लगा रहे हो तो दो बल्ब लगा सकते हो। मशीन को बंद कमरे में बिल्कुल नहीं रखना है। और जो पानी के डिब्बे हैं, ये दो पानी के डिब्बे हमारे आएंगे, ये कंपलसरी फैन के बाजू में ही रखना है। मैं आपको यहाँ से करीब से दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो फैन के बगल में ही पानी के डिब्बे रखने हैं, कहीं और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या ऊपर के ट्रे में बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल फैन के बगल में आएंगे, जिससे कि आपका पूरा बल्ब का गर्मी उस पानी को मिलेगा और अच्छे से ह्यूमिडिटी बनेगी। कहीं और बिल्कुल भी पानी के डिब्बे नहीं रखने हैं, बिल्कुल फैन के बगल में आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से फैन के बगल में ही पानी के डिब्बे रखने हैं। अंडे रखने से पहले मैंने कुछ न्यूज़पेपर यहाँ पे ले लिया है, जो हमें यहाँ पे नीचे बिछा लेना है, जिससे कि क्या होगा, आपकी मशीन जो है साफ सुथरी रहेगी और आपके पंछी जो है जब निकलेंगे तब वो पैर उनका स्लिप भी नहीं होगा, ये भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से न्यूज़पेपर लगा दीजिए। उसके बाद जो ये फैन का कनेक्शन है, ये हमें इस कोई भी छेद में से बाहर निकाल लेना है और बाहर इसका एडप्टर का कनेक्शन दे देना है। तो इस तरह से नीचे न्यूज़पेपर लगेगा, साथ साथ जो आपका ट्रे है, ट्रे में भी आपका जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह पे आपको न्यूज़पेपर रखना है। जैसे हमारा ये अभी ऊपर ट्रे आ गया, तो ट्रे में भी जब आप ट्रे में रखोगे तब भी आपको उसमें भी जो है न्यूज़पेपर रख देना है, मतलब जहां पे भी आपके अंडे आएंगे दोनों जगह पे आपके न्यूज़पेपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको नीचे पहले अंडे रख के दिखा देता हूँ। अंडे रखने से पहले मैंने इस पे एक मार्किंग कर लिया है, देखिए इस तरह से मार्किंग कर लिया है। ये मार्किंग जब आप अंडे घुमाओगे तो कोई भी एक समय आपको सब अंडे की मार्किंग जो है इस तरह से ऊपर ले लेनी है, और एक तरफ जब अंडा घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि सुबह जो है आपने सब मार्किंग ऊपर ले ली, तो उसी तरह से फिर शाम में पूरी मार्किंग नीचे ले लेनी है। इस तरह से अंडा आपको पूरा घुमा लेना है दिन में दो बार, एक बार सुबह एक बार शाम, नीचे का भी अंडा घुमा लेना है, और जो हम ट्रे में रखेंगे अंडा उसे भी हमें दिन में दो बार घुमा लेना है, सुबह और शाम, दिन में दो बार अंडा घुमाना जरूरी है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, टेम्परेचर ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन अंडा हमें दिन में दो बार घुमाना ही घुमाना है। और जो हमें पानी का बाउल साथ में दिया गया है वो फैन के बिल्कुल बगल में आएगा, एक लेफ्ट में एक राइट में आएगा, इसमें हर रोज पानी आपको गर्म करके रखना है। बस दो चीजें हमें करनी है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फाइबर की बॉडी आएगी, इसलिए काफी मजबूत बॉडी है, रफ एंड टफ आती है, 35 mm की थिकनेस आती है, अंदर डबल कोटेड होती है, इसलिए गर्मी भी काफी अच्छी पकड़ती है। अगर इसमें लाइट भी चली जाएगी तो आपका 3 से 4 घंटे तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस बॉडी का ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है, सबसे ज्यादा फायदा यही मिलता है। दूसरी बात, जो इसके साथ आपको हाइड्रोमीटर आएगा, तो इसमें क्या करना है,
ये सेल पे चलेगा, ये आपकी मशीन चालू हो या बंद हो इससे आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सेल पे चलेगा। तो इसका जो है सेंसर अंदर रखना है। देखिए यहाँ पे साइड में जो चार होल ऑक्सीजन के लिए किए होते हैं उस छेद में से आपको सेंसर अंदर लेना है और ये सेंसर आपका अंडों के पास बीचों बीच रख देना है। और जो आपका हाइड्रोमीटर आएगा ये ऊपर रख दीजिए मशीन के पास। तो इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो ह्यूमिडिटी है ये 65 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 65 से नीचे अगर आपकी कभी भी ह्यूमिडिटी चली जाती है तो आप दोबारा उसमें पानी गर्म करके रख सकते हो, जिससे कि आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी और चूजा जो है आपका आसानी से निकलेगा। ये बहुत ही आसान मशीन है, सिंपल है और बहुत ही लो प्राइस में है। सब कुछ उसमें हमने डबल दे रखा है, इसलिए हर तरह की सेफ्टी भी आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, इसकी 6 महीने की वारंटी आती है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की 6 महीने की वारंटी रहेगी। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब होता है 6 महीने से पहले तो आपको वो फ्री में रिप्लेस करके नया मिल जाएगा। और सर्विस जो है हम लोग लाइफ टाइम अवेलेबल कराते हैं, जब तक आप मशीन यूज करते हो तब तक आपको इसकी सर्विस मिलती रहेगी। दिन में 2 बार सिर्फ अंडे घुमाने हैं और पानी गर्म रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। दूसरी बात इसकी प्राइस, तो इसकी प्राइस जो सब कुछ डबल डबल दिया हुआ मॉडल है 120 अंडों का फाइबर बॉडी, तो इसकी प्राइस है सिर्फ 4,900 रुपए प्लस डिलीवरी चार्ज। ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, कोई भी पेमेंट पहले करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से पूरा पेमेंट पहले करते हो तो 500 रुपए इसमें डिस्काउंट रहेगा, ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पूरा पेमेंट पहले करते हो। तो 4,900 की मशीन आएगी प्लस डिलीवरी चार्ज रहेगा। सिर्फ दिन में 2 बार अंडे रोटेट करने हैं, पानी गर्म करके रखना है, डबल डिस्प्ले आएगा, हर पार्ट इसमें डबल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।